हिंदुस्तान में इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का 24वां दिन है। और जब ये दुगनी हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 24वें दिन दुगनी इंटेंसिटी से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा। आलम यह हो गया है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह से बम गिराए जा रहे हैं और अब ये युद्ध भयावह होता जा रहा है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है। कीव के आसपास 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में रूसी फौज जम गई है और ये माना जा रहा है कि कम से कम 3 शहरों में रूसी फौज जो है वो मुस्तैदी से डटी हुई है। ऐसे में यूरोप से यूक्रेन आ रही मदद को रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। लवीव के एयरपोर्ट के पास 3 बड़े धमाके हुए हैं। अब लवीव हम आपको समझाते हैं किस लिहाज से खास है। लवीव वो इलाका है जहां से पोलैंड की सीमाएं जुड़ती हैं, यूरोपियन बॉर्डर्स जो हैं वो यहां से जुड़ते हैं और तमाम मदद जो आ रही है वो यूरोपियन बॉर्डर से आ रही है। ऐसे में अगर आप लवीव पर हमला करते हैं, लवीव से सप्लाई लाइन को काट देते हैं तो यूक्रेन को तमाम तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा क्योंकि मदद नहीं पहुंचेगी तो यहां पर समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। यूक्रेन पर लगातार बम बरसाते रूसी लड़ाकू विमान जो है हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं जो कि फौज के वेटरन हैं। पहले दिन से आज तक के लिए लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, युद्ध को समझते हैं। और राजेश, आज 24वां दिन है, हिंदुस्तान में इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, जरा समझाइए इस वक्त कि वहां से अपडेट क्या है, उसके बाद आपसे और सवाल करेंगे। देखिए, कीव में कल 8-10 शेलिंग हुई थी, 8-10 आर्टिलरी शेल्स गिरे थे 10-15 मिनट के अंतराल के अंदर अंदर कल शाम को। इसके अलावा पिछले 3 दिन में यहाँ कोई बड़ी बमबारी या बड़ा मिसाइल या एयर अटैक नहीं हुआ है और जो इसके आसपास के इलाके हैं वहां भी जो खबर आई है रूसी फौज का जो इन्वेजन है, जो उनकी इंटेंसिटी है हमले की, वो थोड़ी कम हुई है पिछले 2-3 दिन में और ये हालत अभी आज भी इस वक्त बरकरार है। शुभंकर जी, अब 50 घंटों के बाद ये कहा जा रहा हमला कीव पर हुआ, इसके मायने क्या है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है वो बड़े मिसाइल का हमला नहीं था, क्रूज मिसाइल का हमला नहीं था, वो हमले मेरे ख्याल से शेल्स से, आर्टिलरी शेल्स से। देखिए, मैं आपको समझा दूं आर्टिलरी शेल्स क्या होते हैं। ये जो बड़ी तोप होती हैं, तोप को फौज में अंग्रेजी में आर्टिलरी कहा जाता है, तो ये तोपों के गोले थे, ये बड़ी मिसाइल्स नहीं थी। और ये तोप वो है शायद जो इरपिन के बाहर, जिसके हम पिछले 2 हफ्ते से जिक्र कर रहे हैं, बहुत लंबा काफिला है रूसी फौज का, ये तोपें उसका हिस्सा है। और मीडियम आर्टिलरी वो तोपखाना होता है जिसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। 2-3 किस्म के तोपखाने होते हैं फौज के अंदर, मीडियम आर्टिलरी का काफी बड़ा गोला होता है और इसकी रेंज काफी होती है, ये 40 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है और जो मॉडर्न आर्टिलरी है शायद उससे थोड़ा ज्यादा जा सकता हो। तो ये तोपों के गोले थे जिसको हम शेलिंग बोल रहे हैं या आर्टिलरी शेल्स बोल रहे हैं, शायद वो थे, ये मेरा अंदाजा है। और इस सिटी सेंटर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर थे, इसका मतलब ये कहीं शहर के आउटस्कर्ट्स में गिरे हैं कल शाम को 7-8। शुभंकर जी।